आज 6 जुलाई 2024 भारत में शनिवार है। टुडे 6 जुलाई 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली लौकिक श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत विभाग योग, इसके ऊपर है। जैसे जैसे हम मुरली को स्टडी करते जाते हैं, हमको पता चलता है कि लौकिक भगवद गीता और मुरली में कितनी बातें आई हुई है। हमारे में से ही कोई बाबा के बच्चे हैं जो भक्ति मार्ग में ये भगवद गीता की किताब लिखने वाले हैं। सच्ची गीता तो हम बाबा के बच्चे ही सुनते हैं। लौकिक भगवद गीता जो इस समय भक्ति मार्ग में सुनाई जाती है, बाबा कहते हैं वो आटे में नमक जितना सच है। उसमें हमारी बुद्धि जितनी सतोप्रधान थी, उस आधार पर हमने द्वापर युग में बाबा के इस नॉलेज को याद करके लिखा हुआ है। बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को कहा था कि तुमने ही लोगों को शास्त्र लिख के भटकाया है, अभी तुमको ही सबको रास्ते पे लाना है। अभी जगदीश भाई अकेले तो नहीं थे, उनके साथ और भी आत्माएं होंगी जिन्होंने समय समय पर ये शास्त्र लिखे हुए हैं। और वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे क्षेपक माना एडिशंस आए हुए हैं। पहले बाबा कहते हैं मुरली में कि लौकिक भगवद गीता लॉकेट में आती थी, इतनी छोटी होती थी। अभी ये 700 श्लोकों वाली भगवद गीता है और उसमें आटे में नमक जितना सच है। बाबा ने दैवी और आसुरी गुणों के बारे में समय समय पर साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में कहा हुआ है। आज की मुरली में अगर पूछो तो पूरा दैवी गुण और आसुरी गुण दोनों के बारे में बाबा ने कहा, सार में ही कहा कि स्वच्छता, ये स्वच्छता भी दैवी गुण है। स्वच्छता पवित्रता का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है एकांत, एकांत भी दैवी गुण है। उसके बाद वैराग्य, जो बाबा ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, जाना है आना है, जाना है आना है, ये दो ही शब्द है ऐसे बाबा ने कहा। और उसके बाद में जो गुण आया है दैवी गुण, वो है खुशी या प्रसन्नता। बाबा ने आज कहा खुशी जैसे खुराक नहीं, हम इसके साइंस को देखने वाले हैं कि खुशी जैसे खुराक नहीं, ऐसे क्यों कहा गया, ये कहावत कहाँ से आई हुई है। बाबा ने कहा जब ये अभ्यास होना कि अब घर जाना है और वापस नई दुनिया में आना है, तो इस याद से शरीर के रोग भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो वैराग्य का गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, जाना है और आना है। और विशेष शुभ कामना के बारे में बाबा ने कहा कि शुभ भावना या गुड विशेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका जब एडिशन हो जाता है सेवा में, तो कैसे शक्तिशाली फल मिलता है और सफलता मिलती है। तो गुड विशेस सक्सेस
और बाबा ने संतुष्टता को भी याद किया है और आज्ञाकारिता का गुण, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द श्रीमत ऑफ शिव बाबा। तो ये सभी दिव्य गुण आज के साकार मुरली में आए हैं। अवगुण जो कल भी बाबा ने कहा था कि कटु वचन नहीं बोलने हैं, रफ टफ, ये शब्द आज के मुरली में बाबा ने इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है, ऐसे बाबा ने कहा है। और ये भूत से बच के रहना है, नहीं तो ये भूत प्रवेश करेगा। तो ये गुण और अवगुण के बारे में आज की पूरी मुरली है। तो मुझे भगवद गीता का 16वां अध्याय याद आया। 16वें अध्याय में पहले 4 श्लोकों में ही पूरा गुण और अवगुण आए हैं। पहले 3 श्लोक में 26 गुण आए हैं। बहुत बड़ा श्लोक है तीनों ही। एक एक गुण की गहराई में जाए तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि आज बाबा ने कहा एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना है दैवी गुण कितने गाए हैं, आए हैं मेरे अंदर। कल की मुरली में था कि रजिस्टर को चेक करना चाहिए, पोता मेल देखना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर या मेरा व्यवहार कैसा है, दुनिया के सामने मैं कैसे व्यवहार करता हूँ और अकेले में रहता हूँ तो कैसे व्यवहार चलता है। अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। सबके सामने तो हम अच्छा है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो मिस्टर गोड बोले होते हैं, माना मीठा बोलने वाले। अभी वो मीठा बोलना उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो उनको सिखाया जाता है कि मीठा बोलने से काम हो जाता है, इसलिए काम निकालने के लिए मीठा बोलते हैं लोग। आजकल तो इस स्टेज पर ड्रामा पहुंच गया है। अगर कोई जेन्युइनली मन सच्ची दिल से मीठा बोल भी रहा है तो लोग सामने से पूछते काम क्या है वो बताओ, क्योंकि बिना मतलब के कोई मीठा बोल ही नहीं सकता, इसके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। तो ये ट्रस्ट का इशू है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहने के कारण लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई आपसे बहुत मीठा व्यवहार कर रहा है तो इसको जरूर कोई ना कोई इसको स्वार्थ है। तो ये सब बातें इम्पॉर्टेंट हैं, हमको चेक करना चाहिए कि जो 36 गुण हैं, देखो इस भगवद गीता में 26 हैं और वैसे 36 गुण मैच करते हैं। कुंडलिनी कुंडली मैच की जाती है शादी के पहले कि कितने गुण मैच होते हैं लड़का और लड़की के। तो ऐसे मानते हैं कि जितने ज़्यादा गुण मैच होंगे उतना उनकी शादी टिकने के चांसेस है। अभी मुझे ये पता नहीं कि ऐसा कोई स्टडी हुआ है कि कुंडली मैच होने के बाद भी क्या डाइवोर्स हो सकता है। आजकल जिस तरह से डाइवोर्स हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये लिविंग रिलेशनशिप की कंसेप्ट आई है, शादी की ज़रूरत ही नहीं है। शादी करो और बाद में डाइवोर्स लो, इसके बजाय बिना शादी के ही एक साथ रहने लगे हैं लोग, और जब चाहे दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। मुझे याद आ रहा है आजकल सेशंस में लोग ये कोटेशन यूज़ करते हैं कि पहले के ज़माने में लोग जो थे वो चीज़ों से प्यार करते थे और लोगों से मोहब्बत करते थे, लेकिन अभी दुनिया बदल गई है तो चीज़ों से मोहब्बत करने लगे हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो देर इज़ अ ट्विस्ट, बदल गई है वैल्यू सिस्टम। दिव्य गुण देखना चाहिए, ये जो 16 दिव्य गुण भगवद गीता कहती है। एक एक गुण बहुत डिटेल में है, समय के अभाव से मैं इन सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गुण जरूर हम देखेंगे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। अब ये स्वाध्याय शब्द जो आया है, ये 16वें अध्याय का पहला श्लोक है। टोटल 24 श्लोक है, टोटल 24 वर्सेस इन 16 चैप्टर ऑफ भगवद गीता। दैवासुर संपत विभाग योग, दैवी और आसुरी संपत्ति। तो ये दैवी संपत्ति में ये जो स्वाध्याय शब्द आया है, ये स्वाध्याय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय माना स्व का अध्ययन करना, और इसी के ऊपर
श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले, जिनको हमारे आदरणीय रमेश भाई और उषा बहन पहले फॉलो करते थे, उन्होंने अपनी एक संस्था की स्थापना की। आज भी इसको स्वाध्याय परिवार कहते हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवद गीता के ऊपर रिसर्च करते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी है मुंबई के पास थाने में, जहाँ पर डिग्री दी जाती है। बाकायदा 3 साल आपको उधर रहना है। मैंने ये सब इंक्वायरी की थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन 3 साल रह के करना थोड़ा टफ लग रहा था, इसलिए वहाँ पर गए नहीं। तो ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्व लोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अहिंसा सत्य अक्रोध आया हुआ है। और तीसरा है श्लोक, ये भी दैवी संपत्ति के बारे में। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारता। तो ये सब दैवी संपदा है, इसमें 26 गुण आए हुए हैं। और इसके बाद वह जो चौथा श्लोक है लौकिक भगवद गीता का, वो है 16वां अध्याय चौथा श्लोक, फोर्थ वर्स ऑफ 16 चैप्टर। ये सब आसुरी संपदा के बारे में है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। माना दम्भ, दम्भ अर्थात क्रोध अभिमान, दर्प अर्थात घमंड, और अभिमान क्रोध, पारुष्य माना कठोरता, अज्ञान अपने बल का दिखावा करना, ये आसुरी प्रकृति के लक्षण है। और आज बाबा ने, भगवान कह रहा है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? वो है रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। बाबा ने इसको भूत कहा है। देखो, भगवान कह रहा है कि रफ टफ, आपकी अवस्था कैसे भी हो, अंडर ऑल कंडीशंस आपको रफ टफ बात नहीं करना चाहिए। आजकल जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर हम रफ टफ बात नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में ही नहीं आता है। लोग क्रोध को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एक बिलीफ सिस्टम है, माना एक मान्यता है कि जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे तब तक लोग काम नहीं करेंगे। बहुत लोगों के अंदर ये मान्यता है। माँ बाप कहते हैं बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। बॉस कहता है कि अगर मैं सबॉर्डिनेट, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा तो वो लोग भी काम नहीं करते हैं। और भगवान कह रहा है कटु वचन बोलना माना भूत। बाबा ने कहा मेरे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे। बाबा ने कहा अगर किसी में कोई भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। अभी ये बाबा सॉल्यूशन दे रहा है। यहाँ पे अगर आपके आंखों के सामने चित्र आया है तो चित्र खड़ा करेंगे, एक निगेटिव एनर्जी है और एक पॉजिटिव एनर्जी है। आइडियली पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव को बदल देनी चाहिए, लेकिन अगर निगेटिव एनर्जी पावरफुल है तो आपके ऊपर उसका सेक आ सकता है। निगेटिव निगेटिविटी को खींचता है। अब ये कैसे होता है, तो थोड़ा चित्र खींचेंगे। आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति है जो बहुत गुस्सा कर रहा है, माना गुस्से में कहते आग बबूला हो गया है और बहुत कटु वचन इस्तेमाल कर रहा है, तो ये निगेटिव एनर्जी अगर आप उस समय बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, माना देह अभिमान में है, तो ये निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और ये निगेटिव एनर्जी आपके अंदर डर उत्पन्न करेगी या बीमारी उत्पन्न करेगी। अगर देह अभिमान में है तो हर्ट की फीलिंग आ सकती है, दुख की फीलिंग आ सकती है। तो बाबा कह रहा है कि ये क्रोध का भूत होता है, वहाँ पर किनारा कर देना चाहिए, उस समय निकल जाना चाहिए। क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ एंगर, एंगर को अंग्रेजी में हम टेम्पररी इनसैनिटी बोलते हैं, माना चंद क्षण का पागलपन होता है, और उस समय व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है जिसके वजह से वो जीवन भर पश्चाताप कर सकता है।
चंद पल का क्रोध पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जेल में कितने केसेस पड़े हुए हैं कि चंद पल के गुस्से में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता, उनको पूरे जीवन भर जेल में रहना पड़ता है, जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि चंद पल का गुस्सा। तो बाबा ने बहुत बार कहा कि गुस्सा बहुत डिससर्विस करते हैं। आप विजुअलाइज करो, एक तरफ हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, जो भगवान शांति का सागर है, जो भगवान सुख करता और दुख हरता है, तो भगवान के बच्चे अशांति कैसे फैला सकते हैं? भगवान के बच्चे किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? बाबा ने तो आज कहा है कि सदगुरु का निंदक ठौर नहीं पा सकता। माना जो शिव बाबा की या बाप दादा की बदनामी करता है, निंदा करता है, उसका ठौर, माना उसको ठिकाना कैसे मिल सकता है? आप सोचो, हमारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, सफेद ड्रेस बैच पहनते हैं, और लोगों को पता है कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाते हैं, और अगर हम अपने लौकिक घर में कहो या ऑफिस में कहो या मार्केट प्लेस में पब्लिक के सामने अगर गुस्सा कर रहे हैं, तो लोगों को ये दिखाई देता है यार, ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि ये ओम शांति वाले लोग दूसरों को कहते हैं शांत हो जाओ, लेकिन खुद गुस्सा करते हैं। अभी ये सब हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, इसके वजह से संस्था का नाम बदनाम होता है। तो देखना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। पांचवा श्लोक है, ये पांचों के पांचों श्लोक याद कर लेने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आके तो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, टोटल 24 वर्सेस, लेकिन ये पांचवा श्लोक मैं लेना चाहूंगा। कल के स्लोगन के साथ ये जुड़ा हुआ है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवी अभिजातो अस्सी पांडव। माना दैवी प्रकृति मुक्ति के लिए और आसुरी बुद्धि बांधने के लिए मानी गई है। माना ये आसुरी जो अवगुण है, ये बंधन उत्पन्न करते हैं, और दैवी गुण मुक्ति में लेके जाते हैं। अब ये बहुत सुंदर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने हमारे अंदर दैवी गुण धारण होंगे, जो आज बाबा ने कहा, उतना हम मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि जितना दैवी गुण होंगे उतना हमको दुआएं मिलेगी, खुद की दुआएं, शिव बाबा की दुआएं और औरों की दुआएं। जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सबके दिल से उनके प्रति दुआएं निकलती है। यहाँ पर कैच है कि अच्छे लोगों के साथ हम तो सभी अच्छा व्यवहार करते हैं, चैलेंजिंग तब है कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, हमारा अपमान कर रहे, इंसल्ट कह रहे, बुरा भला बोल रहे हैं। उस समय भी अगर हमारा व्यवहार हम श्रेष्ठ रखते हैं, तब हम पास होते हैं। इसी को दैवी गुण कहा गया है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं। चैलेंजिंग कब है कि लोग हमारे साथ अच्छा नहीं व्यवहार कर रहे, तब हमारा व्यवहार कैसा है, दैट डिसाइड्स, वो बताता है। बाबा ने इसके ऊपर कितनी सारी बातें सुनाई हुई है। स्वयं ब्रह्मा बाबा का ये अनुभव है, जहाँ साकार में बाबा रहते थे, तो बाजू में एक सन्यासी था जो बाबा को बहुत गालियां देता था, और बाबा कहते थे कि बच्चा फूलों की वर्षा कर रहा है। अब ये लिटरल है, बाबा ने ये खुद अनुभव किया हुआ, लेकिन ये कब हो सकता है? जब हमारा देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा, तभी हम ये फूल बरसा सकते हैं। फूल बरसाना माना प्रैक्टिकली फूल लेके डालना नहीं है। जैसे बॉलीवुड का एक मूवी है, मुन्ना भाई MBBS, जब वो व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसको बुके लेके जाकर देते हैं, और कहते हैं, बुके माना फूलों का गुलदस्ता, और उनको कहते हैं कि गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जा। अभी इसको उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, गांधीगिरी।
गांधीगिरी मतलब गांधी जैसे कहते थे कि अगर कोई एक गाल के ऊपर आपको मारे तो दूसरा गाल आगे कर लेना चाहिए, उस प्रिंसिपल के ऊपर ये मूवी बना हुआ है। तो वैसे हमको फूल नहीं देना चाहिए, जैसे मुस्कुराना अच्छा गुण है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आप मुस्कुराते हैं तो हो सकता है उसका गुस्सा और बढ़ जाए। इसलिए समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति देखते हुए हमको श्रीमत को यूज करना है। यहाँ पर बाबा के कहने का भाव ये है कि अगर वो निगेटिव एनर्जी पावरफुल है और आप कमज़ोर हैं तो उस निगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। क्या मैं अनुभव सुनाऊँ? अभी एक एक बाबा के अनुभव मैं सुनता हूँ बच्चों के, तो गदगद हो जाता हूँ। इस समय हम हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में हैं और यहाँ पर बीके भाई बहने आए हुए हैं हैदराबाद और नज़दीक के, तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है नशा मुक्ति का। तो ड्रामा प्लान अनुसार यहाँ पे एक महान आत्मा जो बाली बाली कंट्री से आई हुई है, इंडोनेशिया के पास बाली करके आइलैंड है जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है, 40-50 लाख उसकी लोक संख्या है। तो वहाँ की जानकी दादी करके एक सीनियर दादी आई हुई है जिनकी उम्र 82 ईयर्स है। उन्होंने अनुभव सुनाया कि वहाँ पर मेल डोमिनेंट माना पुरुष प्रधान संस्कृति अभी भी है, और ये बहन है अभी तो उम्र हो गई, काफ़ी सालों से उधर है, 40 साल, तो इनके ऊपर प्रयोग किए गए माना तंत्र मंत्र के, तो वो एनर्जी इनके ऊपर भेजी गई तो ये 3 दिन तक बेहोश रहे। अभी 3 दिन के बाद इनको होश में आया, ऐसे उन्होंने स्वयं मुझे अनुभव सुनाया। तो मैंने कहा आपके ऊपर कैसे इसका असर आया? बोला हमको पता ही नहीं चला, हम बेहोश होके गिर गए और हमको बताया गया कि दूसरा कोई होता तो मर जाता, आप कैसे बच गए ये पता नहीं चलता। तो इसके बाद ये शक्तिशाली हो गए, इन्होंने योग किया। बहुत सारे ऐसे अनुभव है, बहुत लोगों के ऊपर ये निगेटिव एनर्जी का असर होता है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमारे सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे चाहिए, सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रखना चाहिए। फिर कोई हमसे ईर्ष्या नहीं करे, ये हम ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये ईर्ष्या में होता है कि किसी का बहुत अच्छा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को सहन नहीं होता है और वो ऐसे निगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश करते हैं। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरा कोई कुछ भी करे, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और तीसरी बात जो इसमें मदद करती है वो माना लाइट के कार्ब में रहना। ये मैंने बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी से सीखा, दादी ने हमको बताया था कि दादी हमेशा लाइट के कार्ब में रहती है। अभी लाइट का कार्ब माना क्या? तो अपने मन से, संकल्प से अपने शरीर के चारों तरफ एक चक्र बना लेना है, मन से एक चक्र को क्रिएट करना चाहिए और विजुअलाइज करना चाहिए कि मैं इस शिव शक्ति के चक्र में सुरक्षित हूँ। तो इस चक्र को भेदने की या तोड़ने की किसी भी निगेटिव एनर्जी में ताकत नहीं है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं कि एक दैवी होते हैं, एक आसुरी होते हैं। तो दैवी वालों के ऊपर ये सब एनर्जी की गण होते हैं, उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो हमारे ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि कुंडली के हिसाब से आपके अंदर दैवी गण है, गण गण कहो या गुण कहो, प्रभाव रहता है तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। और दूसरी बात, आपके अंदर किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भले आप बाहर से बोल नहीं रहे लेकिन अंदर से अगर दुश्मनी का भाव है, कई लोग बहुत कुछ करते हैं, दूसरों की बदनामी करते हैं, तो वो बात कैसे न कैसे करके पहुंच जाती है। तो हमारे भाव हर एक के प्रति शुद्ध होने चाहिए। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, योगी का कोई भी दुश्मन नहीं होता है।
दुश्मन योगी का कभी भी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा दुश्मन हम खुद है। हमारे व्यर्थ और निगेटिव संकल्प ही हमारे दुश्मन है, ना कि कोई व्यक्ति। ये समझ जिसके अंदर है वो हर एक के प्रति शुभ भाव रखेगा। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि तुम्हें किसी भी धर्म की आत्माओं से घृणा और तिरस्कार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रामा में एक एक्टर दूसरे एक्टर के पार्ट से घृणा और तिरस्कार नहीं कर सकता। तो चाहे दुनिया में कोई कुछ भी करे, हमको उनसे घृणा और तिरस्कार नहीं रखना चाहिए। इस ज्ञान के आधार पर अगर लगता है तो हमको अपने अंदर से अपने आप को भरपूर करना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मैं दिन भर में कितने लोगों के संपर्क में आता हूँ, लौकिक अलौकिक। और संपर्क में आने के बाद आप एक चेक कर सकते हैं, कितने लोगों के बाद मिलने के बाद मेरी एनर्जी डिप्लीटेड हो जाती है। माना मैं अपनी शक्तियों को कम होते महसूस करता, और कितने लोगों से मिलने के बाद में मेरी एनर्जी बढ़ते हैं। ये एनर्जी डायनामिक्स योगियों को जल्दी समझ में आता है कि कुछ स्थानों पर एनर्जी है। जैसे हम पांडव भवन का कमरा है बाबा का, या शांति स्तंभ है, या हिस्ट्री हॉल है, ये जो चार धाम है मधुबन के, बाबा की झोपड़ी बहुत पावरफुल है। बाबा के कई सेंटर पे बाबा के कमरे हैं, बहुत पावरफुल है। तो आपको वहाँ पे एनर्जी का अनुभव होगा। और कुछ स्थानों पे पर जाने के बाद, कुछ लोगों से मिलने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपकी एनर्जी जा रही है। तो योगी ऐसे ऊर्जाओं के प्रति जागरूक रहते हैं। तो हमको देखना है कि हम ऐसे कोई आत्माओं के संबंध संपर्क में तो नहीं है जिसके वजह से हमारी एनर्जी कम हो रही है। तो बेसिकली इसका कनेक्शन दैवी और आसुरी गुणों के साथ है। आज बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी ये टोटली साइंटिफिक है कि जब हम बहुत खुश होते हैं हमको खुराक बहुत कम जरूरत होती है। बाबा ने कितने बार कहा कि देवताओं का भोजन बहुत कम होता है, विशेष आना और जाना के ऊपर कहेंगे। इसके ऊपर लौकिक में गीत है कि जीवन का मतलब तो सिर्फ आना और जाना है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली भी चलाई है, आना और जाना। आज बाबा ने कहा दो ही बातें पिछाड़ी में रहती है, जाना है और आना है। मन शांति धाम जाना है और सुख धाम आना है। जिसके अंदर यह अभ्यास होगा वो शरीर के सभी रोगों को भी ठंडा कर सकता है। माना रोगों का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। बाबा को पूछा कि अंतिम समय में आपको क्या अनुभव हुआ, तो बाबा ने कहा पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा। माना शरीर अपने तरफ खींच रहा था, बाबा ऊपर से खींच रहा था। ये कश्मकश चलती रहे, नीचे शरीर का हिसाब किताब कर्म भोग खींच रहा है, ऊपर बाबा खींच रहा है, और आखिर में कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हुई। पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा, ये बाबा के शब्द थे। ये आज की मुरली है। डरना नहीं है, मिरुआ मौत मलू का शिकार, ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। टिपिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, जब 108 आत्माएं तैयार हो जाएगा तब ये पृथ्वी टिपिंग पॉइंट पर पहुंचेगी, और फिर नेचुरल कैलामिटीज होने लगेगी। ये सब शिव बाबा ने बताया हुआ है। अनगिनत बार हमने राजा स्थापन किए हैं। पहले जैसे घर से निकलते समय हम लोगों से आशीर्वाद लेते थे, ऐसे ही बाबा ने कहा सेवा के वक्त सभी से सहयोग की भावना, खुशी की भावना या सद्भावना हो तो कार्य सहज सफल होगा। तो सेवा के पहले संगठन में योग करना जरूरी है, एक दूसरे को दुआएं देना जरूरी है। जैसे भट्टी के वक्त हम तिलक लगाते हैं, मैं कहूँगा सेवा के वक्त भी ये तिलक लगाओ, तो बहुत प्यार से शुभ भावनाओं से सेवा में जाएंगे। जैसे पहले के ज़माने में राजाएं जब युद्ध पर जाते थे तो उनको तिलक लगा के उनकी आरती आरती उतारते थे, ऐसे हम प्यूरिटी से पॉजिटिविटी से सेवा पर जाते हैं। तो हमारा अनुभव है कि सभी की शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं से शक्तिशाली फल निकलता है। और ऐसे बाबा के बच्चे इतना आज्ञाकारी रहते हैं, जैसे बाबा जी हजूर कहता है, जी हाजिर कहता है, ऐसे हम भी जी हाजिर जी हजूर करते हैं और हमारा पुण्य का खाता बढ़ाते हैं।
आज की पूरी मुरली में टेको, डोंट्स के ऊपर फोकस करना है कि रफ टफ बात नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, मेरे मुंह से कटु वचन नहीं निकलने चाहिए, हमेशा मीठे बोल निकलने चाहिए, हर एक की विशेषता देखना है। अगर किसी में भूत है तो वहां से किनारा कर लेना चाहिए, मना ये क्रोध रूपी भूत है तो, और अभ्यास करना है, घर जाना है और वापस नई राजधानी में आना है, देखते हुए भी कुछ नहीं देखना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, दिव्य गुणों को धारण करना है, सबसे आशीर्वाद लेना है, सबसे खुशी की शुभ भावना सद्भावना का आशीर्वाद लेना है, और संतुष्टता का बल भरकर शक्तिशाली फल का अनुभव करना है। हर बात में जी हजूर करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे तो सबसे दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।